हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए साइंस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक बना रहता है? ऑप्शन ए है 0.1 सेकंड, ऑप्शन बी है 0.001 सेकंड, ऑप्शन सी है 10 सेकंड, ऑप्शन डी है 0.2 सेकंड, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.1 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है कार्पस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो यह जो है भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार घृणा का ये केंद्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है? तो दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए है 90/60, ऑप्शन बी है 120/80, ऑप्शन सी है 80/120, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ऑप्शन ए है रक्त समूह ए, ऑप्शन बी है रक्त समूह ए बी, ऑप्शन सी है रक्त समूह ओ, ऑप्शन डी है रक्त समूह बी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त समूह ओ जो है सार्वभौमिक दाता माना जाता है। ठीक है, ए बी की बात करें दोस्तों तो ए बी जो है सर्वग्राही, ए बी जो है सर्वग्राही दाता है, सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है यानी सभी को यह सभी से यह रक्त ले सकता है और ओ क्या सभी को रक्त दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है विटिकर, ऑप्शन सी है लिनियस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ये कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विटिकर। ठीक है, अरस्तु दोस्तों, अरस्तु की बात करें तो यह जो है जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है, अरस्तु को और लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। तो इसी को पूछ रहा कि कितना पानी अणु होता है, तो 10 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10। ठीक है, और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, तो NaHCO3 होता है, ये बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा होता है। ठीक है, और ये होता है वाशिंग सोडा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो किस तत्व में जो है उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? ऑप्शन ए दिया गया हीलियम, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है क्रिप्टन, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हीलियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग या समूह में तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा का मान यदि ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, आयनीकरण ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पर सभी तत्वों का क्या होता है, आयनीकरण ऊर्जा घटता है और परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गर्भवती महिलाओं के पोषण से, ऑप्शन बी है मधुमेह की प्रति जागरूकता से, ऑप्शन सी है बच्चों के टीकाकरण से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी दोस्तों LPG का मुख्य अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी है एसिटिलीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ये कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है उत्तल लेंस,
ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस लगाकर जो है मायोपिया को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, अवतल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस में दोस्तों दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, ऑप्शन ए दिया गया है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है लोलक की भार में परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन सी है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन बी में दिया गया है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी, ऑप्शन सी दिया गया लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी और लोहे की जो है कील यानी लोहा जो है पहले गिरेगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये हवा में बोल रहा है, हवा की उपस्थिति में, अगर हवा के अनुपस्थिति में बात करेगा तो दोस्तों दोनों एक साथ गिरेगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, ऑप्शन ए दिया गया है पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी है पानी जमने पर सिकुड़ती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी जमने पर क्या होता है फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है, ठीक है, माने किसी अर्धचालक के प्रतिरोध को गर्म करने पर क्या होगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, कहाँ पर सूचना जाती है। ऑप्शन ए दिया गया डॉक्यूमेंट में, ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव में, ऑप्शन सी है सीपीयू में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू में जाती है, ठीक है। अब दोस्तों सीपीयू को जो है याद रखिएगा, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। और माउस जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो कौन जो है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए दिया गया है मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी मॉनिटर प्रिंटर और प्लॉटर ये सभी दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है वही रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन बी है दूध से दही बनना, ऑप्शन सी है नमक का पानी में घुलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी रासायनिक परिवर्तन जो है मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ये दोनों है, ठीक है। जबकि दोस्तों नमक का पानी में घुलना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी। ऑप्शन ए दिया गया प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन बी दिया गया चार गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी दिया गया दो गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार गुना बढ़ जाएगी। अब दोस्तों कैसे बढ़ जाएगी, इसको कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आता है शक्ति, शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वी आई। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि विभवांतर और धारा दोनों क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी दोनों दोगुना हो रहा है, तो टू भी उन्हें टू आई हो रहा है, यानी कितना हो गया चार भी आई। तो चार भी आई, अभी आई कितना के बराबर हो गया, पी के बराबर,
अने 4 × p अने कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो यही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन सा जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शन ए है मच्छर, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है जुए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर भाग में रोगी की पहचान की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है कार्डियोग्राफ द्वारा, ऑप्शन बी है एंडोस्कोप द्वारा, ऑप्शन सी है क्रेस्कोग्राफ द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोस्कोप द्वारा जो है मानव शरीर के भीतरी भाग के रोगों को पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात्रि के समय में जो है पेड़ छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है? तो किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत होता है गोल्डन चावल में? ऑप्शन ए दिया गया विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए जो है गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है? ऑप्शन ए दिया गया न्यूरॉन, ऑप्शन बी दिया गया नेफ्रॉन, ऑप्शन सी दिया गया कीटोन, ऑप्शन डी दिया गया प्रोटॉन्स, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।